हेलो फ्रेंड, आज मैं कोथम्बीर वड़ी बनाने जा रही हूँ। मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें एक चम्मच बड़ा तेल का डाला है। इसमें हम हींग डालेंगे आधा चम्मच जितना। इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच लाल मसाला डालेंगे, और अदरक मिर्ची पीस के रखा है एक चम्मच जितना। मैंने एक हरी मिर्ची और एक आधा इंच अदरक का टुकड़ा पीस लिया है। इसे अच्छे से चला लेंगे। अब मैं इसमें एक गिलास पानी डाल रही हूँ। इसे फुल फ्लेम में हम उबलने देंगे। हम इसमें दो चम्मच जितना नमक डालेंगे। मैंने एक वाटी जितनी बड़ी वाटी है ये बाउल भर के कोथमीर धो के काट के अच्छे से रखी है। यह मैंने डिजिटल चम्मच से चार चम्मच बेसन लिया है। ये मेरा डिजिटल चम्मच है। हम इसमें बाउल भर के जो कोथमीर थी वो डाल देंगे। इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। यह अच्छे से उबल गया है। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। से एकदम चला लेंगे हम और पूरा पकने के बाद हमने एक ग्रीस की हुई ट्रे रखी है जिसमें हम इसे निकाल लेंगे। इसे चला लेते हैं अच्छे से। अभी यह पैन छोड़ने लगा है, यह एकदम से अच्छे से पक गया है। इसे अब हम चौकी के अंदर ठंडा करेंगे। इसे हम अच्छे से इसमें ठंडा कर लेंगे। इसे ठंडा होने देंगे हम। हमारी कोथम्बीर वड़ी का ये जो ठंडा होता है तब तक हम एयर फ्रायर चालू करेंगे। इसे मैंने 200 डिग्री पे रखा है और हीट के लिए मैं 10 मिनट
के लिए मैं इसे प्रीहीट कर रही हूँ। यह कोथिंबीर बड़ी ठंडी हो गई, अब इसे हम चाकू से इस तरह से चौरस आकार में टुकड़े कर लेंगे। हमारा एयर फ्रायर प्रीहीट हो गया है, इसे अब हम निकालेंगे। और इसमें हम कोथिंबीर बड़ी इस तरह से रख देंगे। इसे मैं एक बार 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 बोल रही हूँ, इसमें ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं करेंगे हम। इसे हमने ठीक से लगा लिया, अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा तेल अप्लाई करेंगे। इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं एयर फ्रायर में बना रही हूँ। अभी हम इसे वापस इसमें लगा लेंगे और इसे मैं 15 मिनट के लिए सेट कर रही हूँ। और 200 डिग्री पे मैं इसे सेट रखा है। यह हमारा एयर फ्रायर में कोथिंबीर वड़ी बन गई है। यह देखिए कितनी क्रिस्प और लाल बनी है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। यह हमारी कोथिंबीर वड़ी तैयार हो गई है। इसे अब हम एक प्लेट में ले लेंगे खाने के लिए। इसे इसे इस तरह टमाटर सॉस और हरी चटनी के साथ खाइए, यह बहुत अच्छी लगती है। यह महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध वैरायटी है। मैं सुधा किचन से सुधा शाह बोल रही हूँ। धन्यवाद।